जय जय गुरु गौरंग गंधर्व गिरधारी जी की जय हो। जय जय गुरु गौरंग गंधर्व गिरधारी जी की जय। जय हो आकर मठ चैतन्य मठ की जय हो। जय गुरुपाद पद्म परमांश श्री शिला भक्ति प्रमोदपुरी विश्वमी गुरु महाराज की जय हो। जय जय श्री परम गुरुदेव श्री शिला जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाद की जय हो। सब संतन की जय हो। जय जय शिवजी महाराज की जय हो। वंदे गुरु पद दंदम भक्त बिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम गोपीजन समायुक्त बिंदावनम मनोहरम वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निम्नगानं यथा गंगा देवानामुच्युतो यथा वैष्णवानं यथा शंभो पुराणानां त्वेदं भागवतम्। बोलो शिवजी महाराज की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। जय नंदिया की जय हो। शिव तत्वों की ऊपर विशेष कुछ संयोजना, शिव तत्वों की आधार पर कुछ विशेष विचार है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण का पहला स्कंद 11 अध्याय और 39 नंबर श्लोक, इसमें आता है एतद् ईशनम ईशस्यो प्रकृतिस्थयोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। क्या बताया? एतद् ईशनम ईशस्यो प्रकृतिस्थयोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धि तदाश्रया। भगवद् आश्रया बुद्धि ऐसी है, शरीर का अंदर रहते हुए भी शरीर के साथ जुड़े हुए सुख दुख माई गुणों के साथ कदापि संयुक्त होते नहीं। भगवत आश्रया बुद्धि, ऐसी है कि शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर के साथ जुड़े हुए सुख दुख आदि माई गुणों के साथ कदापि संयुक्त होते नहीं, ठीक ऐसे ही माया में अवस्थित होते हुए भी ईश्वर कदापि माया का साथ संयुक्त होते नहीं। यही है ईश्वर के ईश्वरत्व, यही है ईश्वर के ऐश्वर्य तथा अचिंत शक्ति। बहिरंग माया कदापि भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती, अंतरंगा शक्ति जोग माया की छाया शक्ति है। बहिरंगा शक्ति महामाया दुर्गा, अंतरंगा शक्ति जोग माया की भगवान का अंतरंगा शक्ति, जोग माया की छाया शक्ति है बहिरंगा शक्ति महामाया दुर्गा। ठीक ऐसे ही वैकुंठ जगत का सदाशिव विष्णु तत्व,
वैकुंठ जगत का सदाशिव विष्णु तत्व एवं इस जगत का कैलाशपति महादेव शिव जी महाराज, वही सदाशिव वैकुंठ जगत का सदाशिव का अंश है, जो कि गुणावतारों में आता है। भगवान का जो गुणावतार है, गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुण अवतारों में इसका नाम आता है। ब्रह्मा विष्णु शिव भगवान के गुण अवतारों में आता है। बेस्टि जीव, बेस्टि मतलब इंडिविजुअल जीव, सारे एक एक अलग अलग बेस्टि जीवों का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। बेस्टि जीवों का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। ये जगत का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, संहार करता शिवजी महाराज है, एवं जगत पालन करता विष्णु खेरोदगोसाई तृतीय पुरुष अवतार। अनंत कोटि जीव नित्य काल उपस्थित है, इसका सृष्टि करना संभव नहीं है। सिर्फ ब्रह्मा का काम है सृष्टि का समय में, ये जो गीता में श्लोक आता है, मायाध्यक्षेन प्रकृति स्वेति चराचरम, महाप्रलय में अनंत जीव राशि महाविष्णु का अंदर अपेक्षा करते दूसरा सृष्टि के लिए, और ये जीव राशि सब अनंत है, जीव राशि नित्यकाल विराजमान है, फिर भी ब्रह्मा जगत सृष्टि का समय जीवों को अलग अलग सा शरीर दिला देता है कर्मफल के अनुसार। बस यही मानो जे बेस्टी जीवों का सृष्टि कर, मतलब जगत का सृष्टि करता ब्रह्मा, संहार करता शिव, और जगत पालन करता विष्णु, मतलब खेरोद गोसाई तृतीय पुरुष अवतार, जो ये जगत का क्षीर सागर में विराजमान है। यद्यपि विष्णु गुणातीत तत्व है, यद्यपि विष्णु गुणातीत वैकुंठ तत्व है, यद्यपि विष्णु गुणातीत वैकुंठ तत्व है, तथापि स्वयं अपना इच्छा से सत्गुण स्वीकार करते हुए जगत पालन करने का जुमा दायित्व लेते हैं। ठीक जैसे जीव कोटि ब्रह्मा और ईश्वर कोटि ब्रह्मा में आसमान जमीन फराक है, ठीक जैसे जीव कोटि ब्रह्मा और ईश्वर कोटि ब्रह्मा में आसमान जमीन फराक है, ऐसे ही जीव कोटि शिव और ईश्वर कोटि शिव में भी आसमान जमीन फराक है। मतलब किसी कल्प में कृतपुण्य कोई महत्तम जीव ब्रह्मा बन के सृष्टि कार्य निर्वाह करते हैं, उसी जीवों में भगवान स्वयं सृष्टि शक्ति संचारित करके सृष्टि सेवा करवा लेते हैं उन्हीं के द्वारा सृष्टि शक्ति संचार करके। सेवा करवा लेते हैं। यदि अगर ऐसा जीव ना मिले, यदि अगर किसी कल्प में ऐसा उन्नत जीव, पुण्यवान जीव अगर ना मिले, तो फिर उसी कल्प में स्वयं भगवान ब्रह्मा बन के सेवा
सृष्टि का सेवा संभालते हैं। ठीक तद्रूप ऐसे ही किसी कल्प में कोई यज्ञो कृतपुण्यो महत्तम जीव शिव बन के संहार कर जो करता है, स्वयं भगवान के द्वारा संहार शक्ति, स्वयं भगवान के द्वारा संहार शक्ति संचारित होने के कारण कैलाशपति शिव अपना संहार सेवा में व्यस्त रहते हैं। ठीक जैसे ब्रह्मा जी रजोगुणों का अधिष्ठात्री देवता, ठीक जैसे बाहरी दृष्टि में ब्रह्मा जी रजोगुण का अधिष्ठात्री देवता है, ठीक जैसे बाहरी दृष्टि में ब्रह्मा जी रजोगुण की अधिष्ठात्री देवता है, अंतर्दृष्टि में भगवान का कृपा प्राप्त है, भगवान के द्वारा संस्कृत मानस संस्कार प्राप्त है, गायत्री प्राप्त है, ये गहरा विचार है शास्त्रों का जो भी है। तो मतलब ये है ठीक जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण का अधिष्ठात्री देवता है, रजोगुण का अधिष्ठात्री देवता है, ठीक तद्रूप शिव जी महाराज तमोगुण का अधिष्ठात्री देवता है। किसी कल्प में अगर कोई भी योग्य जीव ना मिली तो स्वयं भगवान ही रुद्र रूप पकड़कर जगत संहार कार्य का समाधान कर लेते हैं। इन्हीं के नाम है ईश्वर कटिसी, इन्हीं के नाम ईश्वर कटिसी। लेकिन गुणावतार विष्णु हर कल्प में ही ईश्वर कटी है, कभी भी जीव कटी नहीं है, आई बात समझ में। लेकिन गुणावतार विष्णु इच्छा करके सतगुण को स्वीकार किया है, यह वैकुंठ वस्तु है, इसीलिए गुणावतार विष्णु हर कल्प में ही ईश्वर कटी है, कदापि जीव कोटी नहीं है। ब्रह्म संहिता नामक परम प्रामाणिक ग्रंथों में प्रमाण मिलता है, भाष्यानो यथाश्मो सकलेषु तेजो शियो किंचित् प्रकटयत्योपि तद्वद् अत्रो ब्रह्मा ज एव जगदंडो विधानकर्ता गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में आता है ये श्लोक, भाष्यानो यथाश्मो सकलेषु तेजस्यम कियत् प्रकटयत्योपि तद्वद् अत्रो ब्रह्मा य एव जगदंड विधानकर्ता गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भाष्यानो यथाश्मो सकलेषु तेजस्यम कियत् प्रकटयत्योपि तद्वद् अत्रो ब्रह्मा ज एव जगदंड विधानकर्ता गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भाष्यानो यथाश्मो सकलेषु तेजस्यम किंचित् प्रकटयत्योपि तद्वद् अत्रो ब्रह्मा ज एव जगदंड विधानकर्ता गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि। ठीक जैसे भगवान सूर्यदेव, ठीक जैसे भगवान सूर्यदेव सूर्य नारायण भगवान, ठीक जैसे सूर्य नारायण भगवान सूर्यकांत मुनि, ठीक जैसे सूर्यदेव भगवान सूर्यकांत मुनि में अपना तेज किंचित प्रकट कर देते हैं, ठीक तद्रूप कोई विशेष कृतपुण्यो महत्तमो जीवों में शक्ति संचारित करके ब्रह्मा का पद
ठीक जैसे सूर्यदेव भगवान सूर्यकांत मणि में अपना तेज किंचित प्रकट कर देते हैं, अपना तेज किंचित प्रकट कर देते हैं सूर्यकांत मणि में, ठीक तद्रूप कोई विशेष कृतपुण्य महत्तम जीवों में, जीवों का अंदर शक्ति संचारित करके ब्रह्मा का पद संभालने का योग्यता दे देते हैं। ठीक ऐसे ही शिव जी का अंदर में जो जीव कटी शिव है, इसका अंदर में भी ये शक्ति भगवान संचारित करके ये ध्वंस कार्य को संभालने का योग्यता दे देते हैं। जब स्वयं ही ब्रह्मा का पद, जब भगवान स्वयं ही ब्रह्मा का पद अथवा शिव का पद ले लेते हैं, संभालते हैं, तब तो कहना ही क्या है, तब तो कहना ही क्या है। ब्रह्म संहिता नामक परम प्रामाणिक ग्रंथों का विचार का आधार पर सृष्टि रहस्यों में शिव जी महाराज का योगदान क्या है, ये विचार दिखाया गया। स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति के साथ, स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति के साथ भगवान का वास्तव विलास संभव, स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति के साथ अर्थात योग माया के साथ, स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति के साथ या योग माया के साथ भगवान का वास्तव लीला विलास संभव है, परंतु बहिरंगा शक्ति का स्वाद भगवान का भेद तक, बहिरंगा शक्ति का स्वाद परंतु भगवान का बहिरंगा शक्ति का साथ भगवान का भेद तक होना संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण के आधार पर देखा जाता है कि भगवान के बहिरंगा माया अर्थात महामाया दुर्गा बहुत शर्मिंदा होकर, बहुत शर्मिंदा होकर श्रीमद् भागवत जी महापुराण के प्रमाण के आधार पर देखा जाता है कि भगवान के बहिरंगा माया अर्थात महामाया दुर्गा बहुत शर्मिंदा होके सर्वदा भगवान के पीछे सर झुका के रहती है, कदापि भगवान के सन्मुखवर्ती आमना सामनी होना नहीं चाहती है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण का पहला स्कंद का सप्तम अध्याय और चार नंबर श्लोक में आता है, भक्ति योगेन मनसी सम्यक् प्रणीत अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मयां च तदपाश्रयम्। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीत अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मयां च तदपाश्रयम्। अर्थात श्री गुरु नारद जी महाराज महामुनि, श्री गुरु नारद जी महाराज महामुनि वैष्णव का साथ चर्चा करके, मतलब वैष्णव को उपदेश करके चले जाने का बाद श्री गुरु नारद जी महामुनि वैष्णव का साथ भेंट करने का बाद, जब चले जाने का बाद श्री वैष्णव जी महाराज ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे, ब्रह्म नदी वैष्णव जी महाराज गुरु जी नारद जी चले जाने के बाद श्री वैष्णव जी महाराज ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे बैठ के ध्यान जमाए, ऐसा ध्यान जमाए कि मशगूल हो गए, डूबते चले गए, एवं अचानक देखने लगे कि क्या देखने लगे, भक्ति योग की प्रभाव के द्वारा, अर्थात भक्ति योग की प्रभाव के द्वारा
शुद्धिभूत विशुद्ध मन के द्वारा संपूर्ण रूप से समाहित होने से व्यासदेव जी महाराज को दर्शन मिला। भगवान भगवत कांति भगवत अंश और सर्व शक्ति समन्वित कृष्णों का दर्शन मिला एवं उनके पश्चात भाग में गर्हित तथा लज्जित रूप में झुकी हुई भगवत आश्रित माया महामाया दुर्गा देवी मौजूद दिखाई पड़ी। श्री ब्रह्म संहिता का प्रमाण का आधार पर माया या श्री ब्रह्म संहिता का प्रमाण का आधार पर मायया 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 रममानस्यो नहि वियोगस्तया सहो आत्मना रमया रे मे त्यक्तोक्यालम शिक्षया। ब्रह्म संहिता का 7 नंबर श्लोक क्या बताया? मायया रमो मानस्यो न वियोगस्तया सहो आत्मना रमया रे मे त्यक्तोक्यालम शिक्षया। अर्थात श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बहिरंगा माया के साथ अरममान पुरुष अरममान माने नहीं रमन करने वाले श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कदापि बहिरंगा माया के साथ रमन करते नहीं। अर्थात श्री कृष्ण भगवान बहिरंगा माया के साथ अरममान पुरुष अर्थात भगवान श्री कृष्ण बहिरंगा माया के साथ कदापि नहीं रमन करता है। तथापि वही परतत्व का साथ तथापि यद्यपि ऐसा है तथापि वही परतत्व का साथ माया का संपूर्ण रूप से वियोग वा विच्छेद नहीं है मतलब बिल्कुल लिंक नहीं है ये नहीं बोल सकता। संपूर्ण रूप से वियोग वा विच्छेद भी नहीं है मतलब लिंक नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता मतलब प्रापंचिक जगत सृष्टि करने का प्रापंचिक जगत सृष्टि करने का इच्छा से आत्मो चित शक्ति रमा को ध्यान से सुने। प्रापंचिक जगत सृष्टि करने का इच्छा से आत्मो चित शक्ति रमा के साथ युक्त होके काल शक्ति प्रेरण रूप इच्छन दृष्टि के द्वारा भगवान अपरोक्षो इनडायरेक्टली अपरोक्ष रूप से रमन करते हैं अर्थात गौण रूप से मुख्य रूप से नहीं। तात्पर्य ये है कि माया शक्ति के साथ श्री कृष्ण भगवान का संगो साक्षात रूप से होते नहीं है किंतु गौण रूप से जरूर होते हैं अर्थात भगवान का विलासपीठ वैकुंठों से अर्थात तदीय विलासपीठ भगवान श्री कृष्ण का विलासपीठ वैकुंठों से वैकुंठों के महासंकर्षण अंशों वैकुंठों के भगवान का श्री कृष्ण का विलासपीठ वैकुंठों के महासंकर्षण अंश महासंकर्षण का अंश ये कारण नवसाई आई बात समझ में। अर्थात भगवान का विलासपीठ वैकुंठ जगत से वैकुंठ जगत के महासंकर्षण अंश कारण नवसाई अर्थात प्रथम पुरुष अवतार वैकुंठ का महासंकर्षण अंश जो कारण नवसाई प्रथम पुरुष अवतार के द्वारा माया की ओर भगवान इच्छन करते हैं अर्थात कारण नवसाई पुरुषावतार प्रथम पुरुषावतार के द्वारा
भगवान माया की ओर इक्षण इक्षण माने दृष्टि करते हैं। मायाध्यक्षे न प्रकृति स्वयते चराचरम, गीता का श्लोक यहां प्रमाण है। ये कारणोसाई महापुरुष प्रथम पुरुष अवतार के द्वारा माया की ओर इक्षण करना, माया की ओर इक्षण करने का जो काम है, तदिक्षण कार्यो, ये जो इक्षण कार्यो के द्वारा भी माया का साथ प्रथम पुरुष अवतार का साक्षात संग नहीं है, गलत नहीं समझना। भगवान का विलासपीठ वैकुंठ के महासंकर्षण अंशो अर्थात परम प्रथम पुरुष अवतार कर्णनवसाई पुरुष अवतार जो है, इनके द्वारा भगवान माया की ओर इक्षण कार्यो समाधान करते हैं। फिर भी तदिक्षण कार्यो में अर्थात कर्णनवसाई माया का ओर देखा, दृष्टि दिया, तद इक्षण इसी इक्षण कार्यो के द्वारा भी माया के स्वाद प्रथम पुरुष अवतार का भी संग नहीं होती, नहीं संग नहीं है, संग नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि चित शक्ति रमा, क्योंकि चित शक्ति रमा, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है जीव गोस्वामी पाद का विचार का आधार पर, क्यों होता नहीं, भले क्योंकि इसका क्यों होता नहीं, इसका कारण क्योंकि चित शक्ति रमा, क्योंकि चित शक्ति रमा उसी समय तद वशवर्तिनी अनुपायिनी शक्ति रूप में वही इक्षण कार्यो वहन करती है। आई बात समझ में? महाविष्णु प्रथम पुरुष अवतार जो माया का ओर देखते हैं, इसी दर्शन में भी महाविष्णु का साथ माया का डायरेक्ट संग नहीं है, तदिक्षण कार्यो के द्वारा भी माया का साथ प्रथम पुरुष अवतार का संगो संभव नहीं है। क्योंकि चित शक्ति रमा उसी समय तद वशवर्तिनी अनुपायिनी शक्ति रूप में, मतलब छाया शक्ति रूप में, उसी इक्षण कार्यो वहन अर्थात बीर्जो को धारण करते हैं, इक्षण कार्यो वहन करती है। जैसे जागतिक जगत जागतिक जगत में प्रसव यंत्रों में पुरुष के द्वारा बीर्जो आधान संभव है, ऐसे ही ऐसा मापिक नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बहिरंग माया मतलब स्वरूप शक्ति की छाया उसी रमा देवी की दासी का रूप रूप लेकर रमा देवी के साथ रममान भगवत अंशों का सेवा करती है। बहिरंग माया अर्थात स्वरूप शक्ति की छाया उसी रमा देवी की दासी रूप में रमा देवी के साथ रममान भगवत अंशों का सेवा करती है, एवं कालवृत्ति ही वही रमा देवी की कार्यकारण विक्रम एवं कालवृत्ति ही वही रमा देवी की कार्यो करण विक्रम। सुतरांश सो सृष्टि प्रभाव पौरुषे ब्रह्म संगीता का दूसरा श्लोक की प्रमाण। ब्रह्म संगीता का दूसरा श्लोक का प्रमाण, नियति रमा देवी तत्प्रिया तद्वशं तदा तल्लिंगं भगवान विष्णुर
ज्योति रूपः सनातनः जाजोनि सा पराशक्तिः कामबीजं महद्हरे। क्या बताया ब्रह्म संगीता का दूसरा एक श्लोक, आठ नंबर श्लोक। नियतिशा रमा देवी तत्प्रिया तत्वशं तदा नियतिशा रमा देवी तत्प्रिया तत्वशं तदा तल्लिंगं भगवान शंभुर ज्योति रूपः सनातनः जायोनि सा पराशक्ति ही काम बीजं महद हरे। गौण रूप में माया संग के प्रतिपक्रिया यहां इसी श्लोकों के द्वारा गौण रूप में माया संग के प्रक्रिया वर्णित किया गया। गौण रूप में कैसे माया संग की प्रक्रिया होती है इसका वर्णन किया गया, बताया गया ब्रह्म संहिता में। चित शक्ति रूप रमा देवी, चित शक्ति रूप रमा देवी नियति रूपा भगवत प्रिया, सृष्टि काल में प्रपंचो रचनोन्मुख, सृष्टि काल में प्रपंचो रचनोन्मुख, सृष्टि काल में प्रपंचो रचनोन्मुख कृष्णांशों से जो सांश ज्योति ही उदित होता है उसी को ही भगवान शंभु रूप भगवत लिंगो अर्थात प्रकटित चिन्ह विशेष माना जाता है, उसी को ही सनातन ज्योति का आभास माना जाता है, ज्योतिर्लिंगो जिसको बोले जाते उसी को ही सनातन ज्योति का आभास माना जाता है। भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का प्रसंग है, मतलब उसी लिंगों को नियति के वशीभूत, उसी लिंगों को नियति के वशीभूत प्रपंचो उत्पादकांशों उसी लिंगों को नियति के वशीभूत प्रपंचो उत्पादक अंशों माना गया। नियति से जो प्रसविनी शक्ति, नियति से जो प्रसविनी शक्ति उदित होती है उसी को ही अपराशक्ति योनि रूपा माया के स्वरूप माना गई। नियति से जो प्रसविनी शक्ति उदित होती है उसी को ही अपराशक्ति योनि रूपा माया के स्वरूप माना गई। तदुभय संयोग लिंगो अज्योनि तदुभय संयोग ही हरि का महत्त्व रूप प्रतिफलित तो काम बीज। तदुभय लिंगो अज्योनि तदुभय संयोग ही हरि का महत्त्व रूप प्रतिफलित तो काम बीज है। तात्पर्य ये है कि सृष्टि काम युक्तो संकर्षण ही प्रपंचो उत्पादनोन्मुख कृष्णांशो। तात्पर्य ये है कि सृष्टि काम युक्तो संकर्षण ही प्रपंचो उत्पादनोन्मुख कृष्ण अंशो। कारण सागर में आद्यावतार प्रथम पुरुष रूप में स्वयंकारी भगवान माया की ओर इक्षण डालते हैं, उसी इक्षण ही सृष्टि के निमित्त कारण है। अ बीम ऑफ लाइट तमाम जीव राशि जो है इन द फॉर्म ऑफ जीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट उसी इक्षण की सृष्टि के निमित्त कारण है। तत्प्रतिफलितो
जो ज्योति है तत् प्रतिफलित हो, जो इखन के द्वारा जो ज्योति निकालता है तत् प्रतिफलित हो, ज्योति के आभास रूपी शंभुल लिंगो जो कि रमा शक्ति की छाया रूपा माया की प्रसव जंत्रों में संयुक्त होती है, तभी महत्त्व रूप कामबीज के आभास आकर तभी महत्त्व रूप कामबीज के आभास आकर सृष्टि कार्यों में प्रवृत्त होती है। महाविष्णु का सृष्टि काम का प्रथम उदय अवस्था को हिरण्मय महत्त्व माना गया। वही है सृष्टि उन्मुखी मनोरूपी तत्व, वही है सृष्टि उन्मुखी मनोरूपी तत्व। मन में इच्छा करे तो काम संपन्न होती है, इसलिए वही है सृष्टि उन्मुखी मनोरूपी तत्व। इसी तत्व में गंभीर विचार यही है कि निमित्त कारण और उपादानों को लेकर पुरुष इच्छा ही सृष्टि रचाते हैं। निमित्तो ही माया अर्थात जोनी एवं उपादान बीर्जो शंभु लिंगो। महाविष्णु प्रथम पुरुष अवतार कारणानवसायी अर्थात इच्छामय कर्ता, द्रव्यमय प्रधान रूप, द्रव्य रूप प्रधानमय तत्व ही उपादान। महाविष्णु प्रथम पुरुष कारणानवसायी यही है इच्छामय कर्ता, द्रव्यमय प्रधान रूप तत्व ही उपादान, द्रव्यमय प्रधान रूप तत्व ही उपादान एवं आधारमय प्रकृति तत्व ही माया जोनी। एतद् उभय के संयोग कारी इच्छामय तत्व ही प्रपंचो प्रकटन कारी श्रीकृष्णांशो रूप ये पुरुष। तदुभय के संयोगकारी इच्छामय तत्व ही प्रपंचो प्रकटनकारी श्रीकृष्ण अंश रूप ये पुरुष अवतार कारणावसायी प्रथम पुरुष। उन्हीं को ही सृष्टिकर्ता माना गया। गोलोक में जो कामबीज है ये विशुद्ध चिन्मय है एवं इसी प्रपंच में जो कामबीज है छाया शक्ति गतो काल्यादि शक्ति की कामबीज है, ये दूषित है। प्रथम अक्तो पहले वाला जो कामबीज है ये माया की आदर्श होते हुए भी बहु दूरवर्ती है, माया का साथ कोई संयोग हो ही नहीं सकता। प्रथम अक्तो पहले वाले जो काम बीज का बारे में बताया, प्रथम अक्तो काम बीज माया की आदर्श होते हुए भी बहु आदर्श, मतलब प्रथम अक्तो पहले वाला काम बीज अगर नहीं है तो ई जगत का छाया काम बीज कहां से आए। इसीलिए पहले वाला काम बीज माया की आदर्श होते हुए भी बहु दूरवर्ती बहु दूर एवं द्वितीयोक्तो बाद में जो कामबीज का बारे में बताया गया ये वो कामबीज का माइक प्रतिफलन ये दूषित है। जे कामबीज के द्वारा ये जगत में स्त्री पुरुष का संबंध है, घटिया संबंध है, कामना वासना है ये काम,
और माहिक जगत का ये है और प्राकृत जगत का विशुद्ध काम बीज, जो भगवान का अप्राकृत कामदेव भगवान श्री कृष्ण का भजन में बहुत जरूरी है। अप्राकृत काम बीज के अलावा भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन संभव नहीं है। चैतन्य चरितामृतों में यह बताएगा। काम काम गायत्री काम बीज, काम गायत्री काम बीज में चार आराधन जिसके आराधन है चैतन्य चैतन्य ऐसा बताएगा। काम गायत्री काम बीज चार आराधन यह बताया गया। अच्छा जो भी है यहां विशेष बात ये है, विशेष रूप से ये शंभु लिंगो वा भगवान शंभु का सृष्टि रहस्य में योगदान क्या है इसका वर्णन किया गया। ब्रह्म संगीता के दूसरा एक श्लोक का विचार में शंभु तत्व का और दिग्दर्शन हो सकता है। खीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न ही ततः पितगस्ति हेतः यसंबतम उपि तथा संवैति कार्यत् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या बताया ब्रह्म संगीता का 45 नंबर श्लोक। ब्रह्म संगीता के निम्न श्लोक के विचार के आधार पर शंभु तत्व का दिग्दर्शन बड़ा सुंदर हो सकता है। खीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न ही ततः पितगस्ति हेतो यसंबतम उपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात तात्पर्य ये है कि खीर जैसे विकार विशेष योग संयोग के द्वारा दधि में बदल जाते हैं, ठीक तद्रूप ऐसे ही प्रक्रिया से कारण रूप दुग्ध से पृथक तत्व नहीं है दधि। आई बात समझ में? खीर जैसे विकार विशेष संयोग से दधि में बदल जाते हैं, ठीक तद्रूप प्रक्रिया से कारण रूप दुग्ध से पृथक तत्व नहीं है दधि। पृथक तत्व नहीं है जब भी अलग हो गया, उसी उदाहरण के द्वारा जाना जाता है कि जिन्होंने कार्यो किसी काम के कारण शंभुता प्राप्त हुए हैं, अतः शंभु रूप में आविर्भूत हुए हैं, उसी आदि पुरुष गोविंदो को मैं भजन करता हूं। तात्पर्य जो यही है कि महेश धाम के अधिष्ठाता पूर्वक तो शंभु के स्वरूप निश्चय किया गया। महेश धाम के अधिष्ठाता पूर्वक तो शंभु के स्वरूप निश्चय किया गया, अर्थात शंभु कृष्णो से पृथक दूसरा एक स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। अर्थात शंभु कृष्णो से पृथक दूसरा एक स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। सदाशिव जो लोग इस तरह भेद बुद्धि लगाता है वे लोग भगवत चरणों में अपराधी है। शंभु का ईश्वरता श्री गोविंदो का ईश्वरता के अधीन तत्व है। इसी हिसाब से वे दोनों वस्तु अभेद तत्व है, अचिंत भेदाभेद तत्व में अभेद तत्व है। अभेद तत्व का लक्षण अभेद तत्व का लक्षण यही है अभेद तत्व का लक्षण यही है ठीक
जैसा खीर विकार विशेष संयोग से दोधी बन जाता है, तद्रूप विकार विशेष योग से ईश्वर पृथक स्वरूप प्राप्त होके भी परतंत्र है। अर्थात उसी स्वरूप में स्वतंत्रता नहीं है। माया के तमगुण ततस्ता शक्ति के अनुपरिमान स्वतंत्र गुण माया के तमगुण है। ततस्त शक्ति जीव शक्ति का अनुपरिमान स्वतंत्रता गुण है जरूर, एवं चित शक्ति की थोरी लादिनी मिश्रित चित शक्ति की थोरी लादिनी मिश्रित संबित गुण विशेष रूप से मिश्रित विशेष रूप से मिक्सिंग विशेष रूप से मिक्सिंग मिश्रित होकर एक किस्म का विकार विशेष पैदा होता है। उसी विकार विशेष युक्त सांशो भावाभास स्वरूप ही ज्योतिर्मय शंभुलिंग रूप ईश्वर सदाशिव एवं उन्हीं से रुद्रदेव एवं उन्हीं से इसी जगत में एवं उन्हीं से इसी जगत में रुद्रदेव प्रकट होता है। सृष्टि कार्य में द्रव्य भूमय माने इंग्रेडिएंट सृष्टि कार्य में जो इंग्रेडिएंट चाहिए मसला सृष्टि कार्य में द्रव्य भूमय सृष्टि कार्य में द्रव्य भूमय उपादान स्थिति कार्य में कोई कोई असुर का नाश और संहार कार्य में समस्त क्रिया संपादन अर्थो सांशो भवापन्नो विभिन्नांश रूप शंभु स्वरूप में गोविंदो गुणावतार लेते हैं। शंभु का ही काल पुरुषत्व निर्णित किया गया इस विषय के ऊपर श्रील जीवपाद के द्वारा लिखित टीका में उद्धृत किया गया कि निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणानम तु इदम भागवत भागवत जी महापुराण का 12वां स्कंध में इत्यादि भागवत वचनों के तात्पर्य यही है कि उसी शंभु शियो काल शक्ति के द्वारा वही शंभु शियो काल शक्ति के द्वारा गोविंदों के इच्छा का अनुसार गोविंदों के इच्छानुरूप दुर्गा देवी की सहयोग से कर्तव्य कर्मों अर्थात जो कार्यादि सेवा करते रहते हैं। तंत्रादि बहुविध शास्त्रों के द्वारा जीवों के अधिकार के अनुसार भगवत भक्ति लाभ करने की सोपान स्वरूप धर्मों का शिक्षा भगवान शंभु देते रहते हैं। तंत्रादि बहुविध शास्त्रों के द्वारा जीवों के अधिकार के अनुसार भगवत भक्ति लाभ करने के सोपान रूप धर्मों का शिक्षा देते हैं भगवान शंभु। पुनः गोविंद के इच्छा के अनुसार मायावाद
वो कल्पित आगम प्रचार पूर्वक असुरों को वंचित करके शुद्ध भक्ति की संरक्षण तथा पालन करते हैं। शंभु में जीवों को मिलने वाला पंचस शंभु में शंकर शंभु में जीवों को मिलने वाला पंचास गुण प्रभुत्व रूप में विराजमान है। शंभु का अंदर में जीवों को मिलने वाला पचास गुण प्रभुत् बहुत रूप बहुत परिमाण में विराजमान एवं जीवों के अप्राप्तो जो जीवों को मिलता नहीं और भी पांच ऐसा महागुणावली आंशिक रूप में विराजमान होता है शंभु का अंदर। सो सदाशिव शंभु जीव तत्व नहीं है, सदाशिव शंभु कभी जीव तत्व नहीं माना गया बल्कि ईश्वर माना गया। लेकिन विभिन्न अंशो गतो ईश्वर है, परमेश्वर नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया सृजामि तन्नियुक्तो अहम् हरो हरोति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपातीति शक्तिधृक्। स्वयं ब्रह्मा जी ने क्या बताया भगवत जी महापुराण में, सृजामि तन्नियुक्तो अहम् हरो हरोति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपातीति शक्तिधृक्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इनके द्वारा नियुक्त होकर इनके प्रेरणा से भगवान परमेश्वर के प्रेरणा से मैं सृष्टि कार्य में व्यस्त हूं और शंकर ध्वंस कार्य करता है, हरि पालन करता करता है। सृजामि तन्नियुक्तो अहम् हरो हरोति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपातीति शक्तिधृक्। भगवान स्वयं तीन रूप धारण करके जगत का सृष्टि स्थिति और पालन करते रहते हैं, ये विशेष विचार है। और माया शक्ति का बारे में भी थोड़ा बताना चाहिए। ब्रह्म संहिता की निम्न श्लोक के द्वारा महामाया शिवानी शिव शक्ति दुर्गा देवी बहिरंगा शक्ति कैसी तरह भगवत इच्छा से भगवत इच्छा के मुताबिक प्रापंचिक जगत का सेवा करती रहती है, इस विचार दिखाया गया। कौन सी श्लोक? ये 88 नंबर श्लोक श्रीमद् भागवत जी ना 44 नंबर श्लोक, ये 44 नंबर श्लोक, ये 44 नंबर 44 नंबर श्लोक। सृष्टि श्रुति प्रलय साधन शक्ति रेखा छये वजस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्व च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि श्रुति प्रलय साधन शक्ति रेखा छये वजस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्व च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि श्रुति प्रलय साधन शक्ति रेखा छये वजस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपं अपि यस्व च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात सर्वशक्ति का अर्थात सर्वशक्ति अंतरंग शक्ति सर्वशक्ति बातचीत शक्ति की सर्वशक्ति अंतरंग शक्ति या तो सर्वशक्ति या चित शक्ति जो भी कहो अंतरंग शक्ति सर्वशक्ति अर्थात चित शक्ति की
छाया स्वरूपा प्रापंचिक जगत की छाया स्वरूपा है ये देवी प्रापंचिक जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय साधिनी माया शक्ति है। ये माया शक्ति ही भुवन पूजिता दुर्गा देवी है। इन्हीं को आई बात समझ में। सर्वशक्ति अंतरंग शक्ति सर्वशक्ति या तो चित शक्ति कहा जाए इनकी छाया शक्ति स्वरूपा प्रापंचिक जागतिक की जगत प्रापंचिक जगत की सृष्टि स्थिति पोलाय साधिनी माया शक्ति ये ही भुवन पूजिता दुर्गा देवी है। इन्होंने जिनके इच्छे इच्छा की अनुरूप चेष्टा परायणा इन्होंने जिनके इच्छा की अनुरूप चेष्टा परायणा रहती है उन्हीं आदि पुरुष गोविंद जी को मैं भजन करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।